नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट में कहावत है कि शेयर मार्केट में पैसे बनाने से ज्यादा जरूरी है पैसे बचाना। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अगर आपके पैसे बचे रहेंगे तो ही आप आगे पैसे बना पाएंगे, लेकिन आपका पोर्टफोलियो इरोड हो जाए, आपने जो पैसे इन्वेस्ट किए वो जीरो हो जाए, बहुत कम हो जाए, सारा आपको लॉस हो जाए, तो आप आगे शायद फ्यूचर में कभी पैसे बना नहीं पाए। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है कि कैसे आप अपने पोर्टफोलियो को हेज कर सकते हैं, कैसे आप जहां निवेश कर रहे हैं उसमें लॉस होने से बच सकते हैं जब प्राइस ऊपर से नीचे जाएगा। इन सब चीज़ों को आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्विकली चेक करते हैं आज का एजेंडा कि क्या क्या आज हम देखेंगे। तो आज हम देखेंगे कि हेजिंग क्या होता है और हेजिंग का इंपॉर्टेंस क्या होता है। उसके साथ ही हम देखेंगे हम अलग अलग तरीके से हेजिंग जो की जाती है, कितने तरह के हेज होते हैं, बीटा करके कंसेप्ट हम समझेंगे, उसको कैसे कैलकुलेट करना है इसको समझेंगे, और पोर्टफोलियो हेजिंग को देखेंगे कि मार्केट में जैसे ही मार्केट गिरता धड़ाम से तो ऐसा क्या करें कि आपको लॉस ना हो। अगर इस चीज को आप समझ जाए तो पूरा टेंशन ही खत्म हो जाए मैक्सिमम इन्वेस्टर्स का। तो चलिए क्विकली इन चीजों को देखते हैं, और सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि हेजिंग क्या होती है इस कंसेप्ट से। तो दोस्तों, हेजिंग का मतलब सिंपल शब्दों में कहना है कि अपने पैसे को बचाना। अब किससे बचाना? एडवर्स प्राइस मूवमेंट से बचाना। अगर आपका पोर्टफोलियो और आपका कोई इन्वेस्टमेंट है, अगर वो मार्केट में उसके विपरीत दिशा में डायरेक्शन हो जाता है या कहीं फॉल आ जाती है, तो आपको जो नुकसान होता है उससे कैसे बचें, ये पूरा कॉन्सेप्ट है हेजिंग का। अब हेजिंग जो होता है ये किसी भी चीज में लगाया जा सकता है। अब हेजिंग देखिए, आप हम इक्विटीज और स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि अपने स्टॉक मार्केट के पोर्टफोलियो जो गिरता है, जो पोर्टफोलियो की वैल्यू गिरती है, उसकी कैसे हेजिंग की जाए। अभी यहीं पे जो सिक्योरिटीज मार्केट है, जो पूरा मार्केट है, उसमें केवल स्टॉक्स ही नहीं है, यहाँ पे बॉन्ड्स भी है, तो बॉन्ड्स को हेजिंग की जाती है, बॉन्ड्स के पोर्टफोलियो की हेजिंग की जाती है, उसके साथ ही करेंसी में हेजिंग की जा सकती है। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि इंटरेस्ट रेट को भी हेजिंग की जाती है। जैसे आज आरबीआई ने जो इंटरेस्ट रेट घटा दिया, कई इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं जो इंटरेस्ट रेट से लिंक होते हैं, अब ये ओवर द काउंटर इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं, ये कभी फ्यूचर में मैं आपको बताऊंगा ओवर द काउंटर इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, लेकिन इंटरेस्ट रेट स्वैप IRS एक टूल होता है, एग्जांपल वो इंटरेस्ट रेट का टूल होता है, उससे लिंक होता है उसका रिटर्न के लिए। अब ये जो चेंज हुए उससे उसके रिटर्न पे इफेक्ट पड़ेगा, तो उसको भी हेज किया जाता है। तो ये कंसेप्ट है हेजिंग का, मतलब आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको एडवर्स प्राइस मूवमेंट से बचाना, तो ये हेजिंग होता है। और हेजिंग एक तरह का इंश्योरेंस होता है। इंश्योरेंस में क्या होता है, आप क्या करते हैं कि आप कुछ प्रीमियम देके एक प्रोटेक्शन लेते हैं। तो पूरा ये जो हेजिंग का कंसेप्ट होता है कि हेजिंग में आप थोड़े पैसे देते हैं और उसके बदले में आप मेंटल पीस लेते हैं कि अगर एडवर्स डायरेक्शन में मार्केट चला गया तो मुझे नुकसान ज्यादा नहीं होगा। इस चीज का जो पूरा कंसेप्ट है इसको हेजिंग कहते हैं। अब ये हेजिंग जो होती है कैसे की जाती है, तो ये हेजिंग के लिए भाई किसी इंस्ट्रूमेंट को ही यूज करके की जा सकती है, मतलब कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को ही यूज करके एक दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को हेज किया जा सकता है। हेजिंग का इंपॉर्टेंस क्या है इसको चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस जो हेजिंग का यहाँ पे दिखता है वो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस। दूसरा जो है वो होता है आपका कॉस्ट ऑफ होल्डिंग रिड्यूस हो जाता है। अभी मैं बताऊंगा कि आप कुछ ऐसी हेजिंग करेंगे जहां से जब मार्केट नीचे जाएगा तो आपको फायदा होगा, वहां पे क्या होगा, जो फायदा आप कमाएंगे उसको वापस पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करके अपने पोर्टफोलियो साइज को बढ़ा सकते हैं आप। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसको कहते हैं स्मार्ट बीटा स्ट्रैटेजी, मतलब बीटा एक तरह से कह लीजिए रिटर्न बोला जाता है, स्मार्ट बीटा मतलब अच्छे से रिटर्न जनरेट कर रहे हैं आप अपने पोर्टफोलियो में, ठीक है। अब इसे लोग अल्फा रिटर्न भी कहते हैं, तो अलग अलग सेंस में होता है। एक तरह से समझ लीजिए कि आप अपने पोर्टफोलियो पे अच्छा रिटर्न, मार्केट से ज्यादा रिटर्न जनरेट करते हैं हेजिंग को यूज करके। अब हेजिंग यूज कहाँ होती है, जैसा मैंने बताया आपको, हेजिंग इक्विटी में, करेंसी में, इंटरेस्ट रेट में, हर जगह पे यूज हो सकती है हेजिंग। तो ये पूरा हेजिंग का कंसेप्ट समझने के लिए अभी हम थोड़ा हमें एक छोटे से फैक्टर को समझना जरूरी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों, क्योंकि ये फैक्टर नहीं समझा तब तक आप हेजिंग कर नहीं पाएंगे, अपने पोर्टफोलियो में जो बड़ा लॉस हो रहा है उसको बचा नहीं पाएंगे, किसी भी ट्रेडिंग पोजिशन को कवर नहीं कर पाएंगे जब तक आप बीटा का कंसेप्ट नहीं समझेंगे। अब ये बीटा का कंसेप्ट क्या, चलिए इसको समझते हैं। बीटा को बोला जाए तो कोरिलेशन होता है। कोरिलेशन मतलब अगर ये चीज ऐसे घूमा तो ये चीज कैसे घूमेगा, सिंपल सा, दो चीजों में क्या रिलेशन है उसे हम कहते हैं कोरिलेशन। ऐसे ही दो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में अगर क्या रिलेशन है तो उसको हम कहते हैं कोरिलेशन। अभी जो कोरिलेशन है उसको मेजर करने का एक तरीका है जिसको कहते हैं हम बीटा, जो मेजर करता है सेंसिटिविटी।
अब बीटा मतलब एक इंस्ट्रूमेंट किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट के साथ कैसा कितना सेंसिटिव है, ये इतना ऊपर जा रहा है तो ये कितना जा रहा है, वो डिनोट करता है उन दोनों के बीचों में कोरिलेशन, यानी उसको कहते हैं हम बीटा। तो यानी जब तक आपको रिलेशन नहीं पता चलेगा कि मतलब इन दोनों में बीटा क्या है, इन दोनों का रिलेशन क्या है, तब तक आप हेज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं कि आपका पोर्टफोलियो कितना नीचे जाएगा, तो आप जिससे हेज कर रहे हैं वो कितना नीचे जाना चाहिए ये आपको पता तो रहना चाहिए, तभी तो आप हेज करेंगे। तो यहाँ पे बीटा का कंसेप्ट होता है कि कैसे एक स्टॉक, अगर निफ्टी, निफ्टी से अगर हम किसी चीज को हेज करें तो निफ्टी अगर एक पॉइंट नीचे मूव करा तो आपका पोर्टफोलियो कितना रुपए का नीचे मूव करेगा, निफ्टी में 10 रुपए की गिरावट होगी तो आपके पोर्टफोलियो में कितने रुपए की गिरावट होगी। ये स्टॉक 1 रुपए नीचे गिरा, निफ्टी 1 रुपए नीचे गिरा, बराबर है कि ऊपर नीचे। तो ये जो बीटा होता है, तो एक स्टॉक का बीटा होता है, ऐसे ही पोर्टफोलियो का बीटा होता है। पोर्टफोलियो का बीटा जो होता है उसका बेसिकली क्या होता है कि आपका फॉर्मूला जो इसका है वो ये फॉर्मूला है कि वेट इंटू बीटा वन प्लस वेट इंटू बीटा टू, ऐसे करके। तो एक एक स्टॉक का बीटा को उसके जो पोर्टफोलियो में एलोकेशन वेट है, मतलब 5% ये स्टॉक इंटू बीटा वन, मतलब वेटेड जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पोर्टफोलियो का बीटा होता है। अब ये सब आपको कैलकुलेट करने की अभी जरूरत नहीं है, किसी और वीडियो में बताऊंगा आपको कैलकुलेट कैसे करना है बीटा, लेकिन ये आपको रेडीमेड मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा इसको भी हम आपको चेक करके अभी बताएंगे। अब बीटा बेसिकली आपको क्या बताता है कि मार्केट अगर एक पॉइंट मूव किया तो ये स्टॉक कितना मूव करेगा। कुछ हाई बीटा स्टॉक्स होते हैं, मार्केट एक पॉइंट मूव करता है वो दो पॉइंट मूव करते हैं, वहां उनका बीटा टू होता है। अगर मार्केट एक पॉइंट मूव किया, वो स्टॉक 0.5 पॉइंट मूव किया, तो उसे कहते हैं लो बीटा स्टॉक, यानी लो सेंसिटिविटी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो चार्ट है यहाँ पे आपका वरुण बेवरेजेस लिमिटेड का ये स्टॉक है जिसका एक बीटा है, और यहाँ नीचे जो स्टॉक है वो है इंडसइंड बैंक का। तो आप देख सकते हैं, और ये जो बीच वाली लाइन है निफ्टी, तो ये निफ्टी जब यहाँ गई तो वरुण बेवरेज कितना गया आप ये देख सकते हैं इस चार्ट से क्लियरली, लेकिन आप यही देख सकते हैं कि सेम मूवमेंट पे इंडसइंड बैंक कितना गिरा। तो ये सिंपल सी यहाँ समझने वाली क्या बात है कि इंडसइंड मूवमेंट हाई बीटा स्टॉक है, यहाँ पे मूवमेंट ज्यादा है, और ये जो है ये लो बीटा स्टॉक है, यहाँ पे आपको मूवमेंट मार्केट से जो बीटा है या सेंसिटिविटी है वो कम है। तो यहाँ आपको बीटा का सिचुएशन या कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब ये स्टॉक इंडिविजुअल का भी बीटा होता है, हर स्टॉक का अपना बीटा होता है कि निफ्टी के कंपेयर में अगर करें तो निफ्टी एक पॉइंट मूव किया तो वो कितना हुआ। क्योंकि देखिए मार्केट का जो मेजरमेंट होता है वो क्या है, निफ्टी, उसका बीटा क्या है, वन। लेकिन निफ्टी क्या है, मार्केट हम मेजर करते हैं। अब बाकी सब इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं या कोई भी स्टॉक है पोर्टफोलियो, उसको हम मेजर करेंगे कि मार्केट ऊपर नीचे गया, यानी निफ्टी ऊपर नीचे गया। मार्केट का मेजरमेंट है निफ्टी, निफ्टी ऊपर नीचे गया तो स्टॉक कितना ऊपर नीचे जाएगा। तो ये जो बीटा होता है हमेशा निफ्टी से अगर कैलकुलेट करते हैं मैक्सिमम टाइम में, आप स्टॉक के बीच में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हम निफ्टी के बीच में करते हैं क्योंकि हमें अपने पोर्टफोलियो का बीटा निकालना है, वो एक स्टैंडर्डाइज हो जाता है। उसका एक और रीजन है क्योंकि हेजिंग के लिए जो हमें टूल चाहिए वो निफ्टी के बहुत इजीली अवेलेबल है, निफ्टी फ्यूचर्स, निफ्टी ऑप्शंस बहुत लिक्विड है, हमेशा ट्रेड होते हैं, इसलिए हमेशा निफ्टी से बीटा कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ आपको बीटा का पूरा मतलब समझ गया, मतलब निफ्टी एक पॉइंट नीचे गिरा तो आपका पोर्टफोलियो कितना नीचे गिरा या एक स्टॉक कितना नीचे, अभी के लिए इतना समझ लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं कि अब उसको हेज कैसे करते हैं और कितने टाइप के हेज होते हैं। तो सबसे पहले देखिए दो तीन मेजर टाइप के हेज होते हैं जिसको मैं डिस्कस करूंगा। वैसे तो कई तरीके से आप हेज कर सकते हैं, यहाँ मैं जिन चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगा वो है सबसे पहले गोल्ड हेज, सेकेंड मैं डिस्कस करूंगा फ्यूचर्स से कैसे आप हेज कर सकते हैं, और थर्ड मैं डिस्कस करूंगा कि ऑप्शंस में कैसे हेज कर सकते हैं। तो ऑप्शंस का हेजिंग है वो नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, आज के वीडियो में गोल्ड और फ्यूचर्स को देखूंगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था कि गोल्ड से कैसे हेज कर, किसी भी चीज से हेज करेंगे तो सबसे पहले देखना है जब आपका पोर्टफोलियो डाउन जा रहा है तो गोल्ड कैसा जा रहा है, या मार्केट जब डाउन जा रहा है, मार्केट यार के मार्केट मतलब निफ्टी या सेंसेक्स, तो हम निफ्टी से यहाँ हेज करेंगे। तो जब भी मैं बोलूँ मार्केट तो निफ्टी। अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता सकता हूँ यहाँ पे कि देखिए एक बार समझिए कि दो तरह के रिस्क होते हैं पोर्टफोलियो में, एक होता है अनसिस्टमैटिक और एक होता है सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक मतलब मार्केट रिस्क, मतलब निफ्टी के नीचे गिरने से जो रिस्क है हमारे पोर्टफोलियो में वो होता है सिस्टमैटिक रिस्क। दूसरा रिस्क होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क, मतलब अगर यस बैंक का मैनेजमेंट खराब है और स्टॉक गिर गया तो उसका मार्केट से नहीं मतलब है, वो स्टॉक की प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे जो आपका पोर्टफोलियो है दो रीजन से गिर सकता है, मार्केट गिर रहा है उससे भी गिर सकता है, और आपका जो अनसिस्टमैटिक रिस्क है मतलब आपका जो कंपनी की खराबी उससे जो गिर रहा है उससे भी गिर सकता है। तो यहाँ जो हेजिंग मैं बात कर रहा हूँ ये सिस्टमैटिक रिस्क की बात हो रही है, मतलब मार्केट जब गिर रहा है तो कैसे प्रोटेक्ट करें। अनसिस्टमैटिक रिस्क को अवॉइड करने का तरीका है डाइवर्सिफिकेशन। अगर आप 20 से ज्यादा स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं तो एक स्टॉक भले ही अनसिस्टमैटिक रिस्क से डूब जाए आपके पोर्टफोलियो के ओवरऑल रिटर्न को उतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 20 स्टॉक है और एक स्टॉक का 5% से लेट से ज्यादा वेट नहीं है आपके पोर्टफोलियो में,
तो नहीं पड़ता है। तो अगेन हम सिस्टमैटिक रिस्क को हेज करने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहला आता है गोल्ड हेज। अब देखते हैं गोल्ड हेज क्या है। तो यहाँ पर निफ्टी और गोल्ड के रिटर्न का चार्ट है। अब देख सकते हैं क्लियरली कि मार्केट में यूजुअली ऐसा ऑब्जर्व करने को मिला है कि जब भी आप देखेंगे कि मार्केट में स्टॉक ऊपर गया है या स्टॉक में करेक्शन आया है तो गोल्ड में उतना करेक्शन नहीं है, इनफैक्ट गोल्ड ऊपर चला गया है कई बार। यहाँ पर भी देखिए जब पहला मूवमेंट डाउनफॉल का निफ्टी अभी कुछ दिन पहले आया था तो गोल्ड सबसे पहले ऊपर गया था, इनफैक्ट अभी भी अपने निफ्टी जिन लेवल्स पे था उसके ऊपर ही है। तो यहाँ गोल्ड हेज करने का मतलब होता है कि आप अपने पोर्टफोलियो को बेच दीजिए। अगर आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा तो आप अपने पोर्टफोलियो को बेच के गोल्ड खरीद लीजिए, अपने पैसे को गोल्ड में इन्वेस्ट कर लीजिए। इसे कहते हैं गोल्ड हेज, गोल्ड से आप हेज कर रहे हैं। लेकिन ये एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी नहीं है क्योंकि इफेक्टिव हेजिंग नहीं हो पाती। अगर मार्केट इतना पॉइंट नीचे गिरा तो आपको कुछ मिल नहीं रहा है, आपका पैसा वहीं का वहीं में भी है, और मार्केट अगर वहां से यू टर्न हो गया तो पता नहीं क्या होगा। तो ये इफेक्टिव हेज नहीं होता क्योंकि आप जिस चीज से हेज कर रहे हैं उसका कोरिलेशन मार्केट से बहुत ही प्रोनाउंस्ड नहीं है, उसका रिलेशन जो मार्केट से बिल्कुल डिफाइंड नहीं है। मैक्सिमम टाइम में वो उल्टा बिहेव करता है, नेगेटिव कोरिलेशन इसे कहते हैं। मतलब मार्केट नीचे जाएगा तो गोल्ड ऊपर जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं मार्केट नीचे जा रहा है बट यहाँ पे आप देखेंगे कि गोल्ड ऊपर जा रहा है, तो नेगेटिव कोरिलेशन है, ये बात तो है। तो आप अगर डाल दीजिए अपने पोर्टफोलियो को, आपको लगता है निफ्टी अब नीचे बहुत ज़्यादा गिरेगा, अपने पोर्टफोलियो को सेल करके गोल्ड खरीद लीजिए, गोल्ड थोड़ा ऊपर रहेगा, बैलेंस रहेगा। लेकिन ये इफेक्टिव नहीं क्यों, क्योंकि आपको सारे अपने स्टॉक को बेचने हैं, चार्जेस देने हैं, फिर गोल्ड में डालना है, गोल्ड का आपको पता नहीं आइडिया है नहीं है, ऊपर जाएगा फिर मार्केट, मतलब बेसिकली वो सेंस नहीं बनता उतना ज़्यादा, और उतना ज़्यादा इफेक्टिव हेज भी नहीं होता है। ठीक है, वो बस आपके पैसे को मे भी थोड़ा कम गिरा है लेकिन गिराएगा। नेक्स्ट जो तरीके का जो इम्पॉर्टेंट हेज है जिसको हम आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे वो है फ्यूचर्स हेज, कि कैसे आप फ्यूचर्स से हेज कर सकते हैं। अब जिनको बिल्कुल नहीं पता उनके लिए एक छोटा सा क्रैश कोर्स कि भाई फ्यूचर्स क्या होते हैं। फ्यूचर मतलब होता है अगर स्टॉक है, अगर आपका जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं यहाँ पे SBI का अगर आपका स्टॉक है 200 पे चल रहा है तो फ्यूचर्स क्या होता है। SBI का एक तरह का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें फिक्स नंबर ऑफ SBI शेयर होते हैं, यानी मैंने एक वर्चुअल चीज़ बना दी, इमेजिनेटिव चीज़ बना दी और उसको बोल दिया कि इसमें SBI के 2600 शेयर का ही साइज होगा, केवल आप 2600 ले सकते हैं या 2600 के मल्टीपल में ले सकते हैं। ठीक है, और उसका जो प्राइस होगा, इसका प्राइस जो इसका कैश प्राइस है उससे 0.5 पैसे ऊपर हुआ, यानी 200.5। तो एक वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट है फ्यूचर, एक फिक्स लॉट साइज, एक फिक्स नंबर ऑफ शेयर ही बाई सेल कर सकते हैं, और उसका प्राइस जो होता है वो डिराइव होता है कैश के प्राइस से। तो कैश के प्राइस से बिल्कुल रिलेटेड होता है, ऐसा नहीं कि कैश प्राइस 200 है तो फ्यूचर प्राइस 250 जाएगा, कैश नीचे गिरा फ्यूचर नीचे गिरेगा। कैश तो एक तरह से वो कैश ही है, बस एक फिक्स अमाउंट ऑफ साइज से है, और उसकी एक एक्सपायरी होती है जो जिस पे मैंने पूरा वीडियो बना रखा है, नीचे मैं लिंक दे दूंगा आप उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पे फ्यूचर से हम हेज करेंगे किसी स्टॉक को। अभी एग्जांपल जो इंडसइंड बैंक है जो काफ़ी गिरा है, तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, आपके पास इसका 400 के शेयर्स थे, तो अब आप देखिए 1200 रुपीज़ से इंडसइंड बैंक गिरते गिरते 400 रुपीज़ के अराउंड आ गया है। तो यहाँ पे जो हेजिंग होती है वो कैसे होती है, चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी जब ये इंडसइंड 1200 रुपये का था, इसका जो फ्यूचर्स है उसका लॉट साइज भी 400 ही है, तो आपको क्या करना था कि कैश में अगर आपके पास 1200 रुपये पे होल्डिंग थी तो आपको फ्यूचर्स में सेल कर देना था, यानी कैश में अपने होल्डिंग को मेंटेन करके फ्यूचर को उसके शॉर्ट कर देना था। अब ये उसका जो लॉट साइज है 400 ही है, तो इससे क्या हुआ, मान लीजिए इमेजिन करते हैं दो सिचुएशन, यहाँ पे जो इंडसइंड बैंक का है 1200 रुपये से उसका शेयर प्राइस गिर के 400 रुपीज़ पे आ गया, तो आपको कैश में कितना लॉस हुआ, 1200 माइनस 400 यानी 800 पॉइंट्स का लॉस हुआ, अगर आपने एक शेयर में लगाया है तो 800 रुपये का। लेकिन अगर आपने फ्यूचर्स को शॉर्ट किया यानी पहले बेच दिया है, पहले बेच दिया और जब गिर गया तो नीचे खरीद लिया, तो बेचा ऊपर, बेचा 100 रुपये पे, खरीदा 20 रुपये पे, नेट जो आपका 80 रुपये प्रॉफिट, तो ऐसे ही फ्यूचर को आपने 1200 पे बेचा और 400 रुपये पे खरीदा तो आपको 800 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पोर्टफोलियो में नेट जो उसकी वैल्यू थी, भले ही कैश में गिर गया लेकिन फ्यूचर्स में इक्वल प्रॉफिट हो गया, आपकी पोर्टफोलियो के वैल्यू इंटैक्ट रही, तो ये हेज होता है, इसे आपने अपने पोर्टफोलियो को हेज कर लिया। ठीक है आपका, अब यहाँ पे आप इसको जब बुक कर लेंगे लॉस प्रॉफिट, तो आपने अपने फ्यूचर्स में प्रॉफिट बुक कर लिया, और साथ में अगर आप अपने होल्डिंग को छोड़ देते हैं कल को जब वो 400 से 600 हो गया तो वहाँ पे भी आपको रिटर्न में प्रॉफिट होगा, तो एक और एडिशनल इनकम जनरेट हो सकती है अगर आपने हेज किया, क्योंकि हेज का तो प्रॉफिट आपको मिल गया, उसको फिर इन्वेस्ट करके अपने एवरेज प्राइस को भी आप नीचे कर सकते हैं और अपने स्टॉक्स के नेक्स्ट जर्नी पे आप प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल दिया फ्यूचर्स को अगर हेज करना है उसी के स्टॉक में, मतलब ये किसके लिए एप्लीकेबल है, जो स्टॉक्स फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कैटेगरी में ट्रेड होते हैं।
अभी कई बार कैसा होता है कि आपके पास ऐसा स्टॉक है जो फ्यूचर्स ऑप्शंस में नहीं है, अब उसको हेज कैसे करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे बीटा का कंसेप्ट जानना इंपॉर्टेंट है। तो मान लीजिए अगर आपके पास 1000 शेयर है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के, जो मैंने भी चार्ट दिखाया था, तो वरुण बेवरेज लिमिटेड अगर आपके पास शेयर है और ये एफएनओ में है नहीं तो आप तो बेच नहीं सकते, तो आप इसको किससे हेज करेंगे? तो यहाँ पे हम हेज करते हैं इसको मार्केट के फ्यूचर है निफ्टी के फ्यूचर से। आप इसको और भी किसी स्टॉक से हेज कर सकते हैं, लेट्स से आप एसबीआई से हेज कर दिए, लेकिन कन्वीनियंस के लिए हम इसको निफ्टी से हेज करेंगे, क्योंकि मार्केट से जो इसका कोरिलेशन है वो निकालना आसान है, आपको रेडीमेड मिल जाता है। अगर आपको एसबीआई से कोरिलेशन निकालना है इसका बीटा कितना है, तो आपको खुद मेहनत करके निकालनी पड़ेगी, उसका प्रोसेस में मैं कभी समझा दूंगा, फाइनेंस में पढ़ाया जाता है। बट अगेन यहाँ पे देख ध्यान देने की बात है कि वन बिवरेजेस लिमिटेड का जो बीटा है 1.19 है। इसका क्या मतलब हुआ, निफ्टी अगर एक पॉइंट गिरता है तो वरुण बेवरेजेस 1.19 पॉइंट गिरता है। ये 100% एक्यूरेट हमेशा ऐसा नहीं होगा, लेकिन पिछले एक बड़े टाइम पीरियड का अगर हमने एवरेज देखा तो हमने ये पाया इसलिए एक होगा। तो अगर ये जो बिहेवियर है 1.919 टाइम्स गिरना, ये मैक्सिमम टाइप ऐसा ही कोरिलेशन होगा। तो अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि वरुण बेवरेजेस का बीटा आपको कैसा पता चलेगा? तो उसके लिए आप tickertape.in की वेबसाइट खोल सकते हैं और स्टॉक का नाम सर्च कर सकते हैं, और जब यहाँ स्टॉक के नाम पे आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको रिस्क प्रोफाइल स्टॉक का दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लो रिस्क दिखा रहा है, स्टॉक इज 1.19x एज वोलेटाइल एज निफ्टी, जिसको हम बोलते हैं निफ्टी से उसका बीटा क्या है। तो यहाँ पे टिकट टेप की वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं बीटा को, और यहाँ पे बीटा जब आपको पता चल गया उस स्टॉक का, तब बैक टू जाते कि हमें अब वरुण बेवरेजेस के हमारे 1000 शेयर्स हैं और वरुण बेवरेजेस का बीटा हमें पता चल गया कि इसका बीटा कितना है, अब हमें इसको हेज करना है। तो कैसे हेज करेंगे? अब टोटल हम अपने पोर्टफोलियो का वैल्यू इंटू बीटा निकालेंगे। तो आपके पास 1000 शेयर्स हैं इंटू जो प्राइस है शेयर की इंटू बीटा, ये करेंगे तो आपको एक वैल्यू मिल जाएगी जो कहते हैं कि हेज वैल्यू क्या है, इतने वैल्यू को आपको हेज करना है। और उसके बाद से हम इसको हेज किससे करने जा रहे हैं, निफ्टी से, क्योंकि बीटा हमने निफ्टी से निकाला है। तो इसका बीटा जो निफ्टी का होगा, टोटल वैल्यू एक लॉट साइज की 75 लॉट साइज है निफ्टी का, निफ्टी के फ्यूचर का लॉट साइज 75 है, जैसे मैंने आपको बताया था क्वांटिटी का बास्केट 75 के क्वांटिटी में ही ट्रेड होता है। उस निफ्टी की जो वैल्यू थी जब मार्केट 28 फेब को गिरने वाला था तो 11800 के अराउंड थी, और VBL जो था वरुण बेवरेजेस 1010 के अराउंड था, तो 11800 इंटू 75 जो 885 हो गया, 885,000। तो ये दोनों वैल्यू हमने निकाल ली, तो कितना लॉट हमें शॉर्ट करना है वो निकलेगा इस फॉर्मूले से कि ये जो जितना भी हेज वैल्यू है टोटल, ये डिवाइड बाई निफ्टी का एक लॉट का जो वैल्यू है, तो वो आता है 1.35 लॉट आपको शॉर्ट करना है। लेकिन 1.35 लॉट आप शॉर्ट कर सकते हैं? आप शॉर्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि निफ्टी तो एक ही लॉट में होगा या तो दो लॉट में होगा, बीच में डेढ़ लॉट कहां से करोगे? तो यहां पे ये जो कंसेप्ट होता है इसको कहते हैं अंडर हेजिंग का। मतलब अगर आपने एक लॉट शॉर्ट किया इसका मतलब आप अंडर हेज हैं। तो निफ्टी अगर मान लीजिए आपको 35% का लॉस देगा, उस केस में हाईली लाइकली है कि जो वरुण बेवरेजेस का स्टॉक है वो आपको एग्जैक्टली 35% तो हेज नहीं होगा, लेकिन मे बी उसका जो फॉल आएगा वो केवल 10% होगा, क्योंकि वन लॉट से हमने हेज किया हुआ है। तो 1% हेज किया, आइडियल 1.35 लॉट बेचना था लेकिन वो पॉसिबिलिटी नहीं है। अभी जब हम इसका दो लॉट बेच देंगे तो ये ओवर हेज हो गया। इस केस में क्या होगा, अगर मान लीजिए मार्केट ऊपर चला गया तो हमारा ट्रेड उल्टा पड़ जाएगा, निफ्टी में शॉर्ट में हमें लॉस हो जाएगा और वरुण बेवरेजेस के लॉन्ग में हमें उतना प्रॉफिट नहीं होगा। इसीलिए आइडियल होता है कि आप थोड़ा अंडर हेज रहें, ओवर हेज ना रहिए, क्योंकि अगर आप गलत पड़ेंगे तो यहाँ पे नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर यही मान लीजिए शेयर प्राइस ऊपर चला जाता है और वन लॉट ही हमने हेज किया था, तो जितना हमें वन लॉट में लॉस होगा निफ्टी के, उतना वरुण बेवरेज में प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट उतना ही जाएगा। तो ये पूरा हेजिंग का कंसेप्ट है, एक सिंगल स्टॉक का आपको अगर हेज करना है। अगर आपने इस बात को समझ लिया तो अब चलिए हम देखते हैं कि आपके पोर्टफोलियो को कैसे हेज करना है, पोर्टफोलियो का कैसे बीटा निकालेंगे और पोर्टफोलियो में कैसे हेज करना है। तो एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट है, पोर्टफोलियो का सबसे पहले आपको बीटा निकालना है, उसके बाद से यहाँ पे एग्जांपल है कि आपके पास 20 स्टॉक के पोर्टफोलियो हैं, तो 20 स्टॉक के पोर्टफोलियो, तो अनसिस्टमैटिक रिस्क तो गया, बचा सिस्टमैटिक यानी मार्केट का रिस्क, यानी निफ्टी के गिरने से जो रिस्क होने वाला है। अब पोर्टफोलियो वैल्यू आपकी 6,00,000 रुपये, पोर्टफोलियो का बीटा आपको कैलकुलेट करना है। पोर्टफोलियो का बीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका भी एक बड़ा प्रोसेस है जिसमें आपको पोर्टफोलियो के इंडिविजुअल स्टॉक का बीटा निकालना है और उसके वेट को मल्टीप्लाई करना है, W1 into बीटा 1 प्लस W2 into बीटा 2 एक करके एक प्रोसेस है। लेकिन अगर आपका
जीरोधा में डीमैट है या इंडिया के जो टॉप डीमैट्स हैं या कुछ ऐसे टिकट टेप में फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो को आप ऐड करके ये भी पावर्ड बाई टिकट टेप ही आप दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे आपके ऑलरेडी कंसोल में आप जाएंगे, अपने पोर्टफोलियो में जाके अपने होल्डिंग्स में जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि आपके बीटा कितना है। तो यहाँ दिखा रहा है कि आपके पोर्टफोलियो का बीटा कितना है। तो आप अपने ब्रोकर अकाउंट में लॉगिन करके बीटा चेक करते हैं, नहीं है तो आप इस वेबसाइट पर जाके अपने पोर्टफोलियो को बना सकते हैं और उसका बीटा चेक कर सकते हैं। तो अब आपको पता चल गया आपके पोर्टफोलियो का बीटा कितना है। तो आपको निकालना है सबसे पहले हेज वैल्यू। तो आप अपने बीटा को 1.5 बीटा है इंटू, अगर 6 लाख आपका पोर्टफोलियो वैल्यू है तो 6 लाख इंटू 1.5 9 लाख, तो ये है हेज वैल्यू। ठीक है, अब इसको आपको हेज करना है। किससे हेज करना है? निफ्टी से मुझे हेज करना है क्योंकि निफ्टी से बीटा मैंने निकाला है। निफ्टी की वैल्यू है जो लॉट साइज की वो है 8,85,000। तो कितना आपको शॉर्ट करना है? 9 लाख, जो यहाँ पे टोटल हेज वैल्यू है, डिवाइड बाई निफ्टी के एक लॉट की वैल्यू जो है 8,85,000 के अराउंड, जो कि ऑलमोस्ट आ रहा है 1.01, यानी एक लॉट आपको शॉर्ट करना है। ये जो होता है, ये होता है परफेक्ट हेज, एग्जैक्टली आपने सेम हेड किया। तो हाईली लाइकली अगर निफ्टी इतना गिरा तो इतना ही आपके पोर्टफोलियो में प्रॉफिट हो जाएगा, तो आपका नेट प्रॉफिट एंड लॉस जीरो होगा। ये होता है परफेक्ट हेज। ऐसे ही होता है ओवर हेज जो मैंने आपको पिछले बताया, अगर आपने दो स्टॉक कैलकुलेट कर लिया। तो दोस्तों ये कंसेप्ट है बीटा को, आप इस तरह से अपने पोर्टफोलियो का बीटा कैलकुलेट कीजिए, लॉग इन करके अपने कंसोल में चेक कर सकते हैं, अपना टिकट टेप की वेबसाइट पे पोर्टफोलियो बना के उसका बीटा, आई एम श्योर कि और भी कई वेबसाइट पे बीटा कैलकुलेट कर सकते हैं, आप उसको कीजिए। वरना इसको खुद से कैलकुलेट करने का एक थोड़ा बड़ा तरीका होता है, आपको एक्सेल शीट में पुराने हिस्टोरिकल डेटा चाहिए सारे में, तो वो थोड़ा मुश्किल पड़ेगा आपको, लेकिन मैं उसको भी आपको बता दूंगा और कुछ टूल्स के बारे में बता दूंगा नीचे, जिससे आप ये बीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तरीका है अपने पोर्टफोलियो को बचाने का, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जो स्टॉक्स, इंडिविजुअल स्टॉक्स अगर आप ले रहे हैं उसको हेज करने का ये तरीका है। अब ये सेकंड पार्ट, पहला पार्ट मैंने बता दिया गोल्ड, फिर बताया मैंने जो आप फ्यूचर से कर सकते हैं इंडिविजुअल स्टॉक को प्लस पोर्टफोलियो को। नेक्स्ट आता है ऑप्शन से कैसे हेजिंग करना है, और ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई और आप बोर ना हो जाए इसलिए इस वीडियो को मैं कट शॉर्ट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हम पुट ऑप्शन से कैसे हेजिंग करते हैं, कैलकुलेट कैसे करना है बीटा, हेजिंग का प्रॉब्लम क्या है, साइड इफ हेजिंग 100% सिक्योर नहीं, यहाँ आपका एक रिस्क है जो है आपका प्रीमियम रिस्क, और रिवर्स हो गया तो क्या रिस्क है, इन सब चीज़ों के बारे में समझेंगे, और कब क्या हेज यूज़ करना है इसको और अच्छे से समझेंगे, ट्रेडिंग में कैसे हेज यूज़ करना है इन सब को समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। काफ़ी लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि कैसे हेज करते हैं, इस पर बनाइए वीडियो, हम परेशान हो गए अपने लॉस को देख के और कोई इस पर वीडियो बनाता नहीं। तो डेफिनेटली मैं आपके रिक्वेस्ट पर ये वीडियो बना रहा हूँ। ये जो पूरा हेजिंग का कंसेप्ट है, अगर आप फाइनेंस पढ़े हैं या अगर आप कभी MBA फाइनेंस के किसी स्टूडेंट को पूछेंगे, तो ये सिक्योरिटी एनालिसिस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करके एक पूरा मॉड्यूल होता है जिसमें बताया जाता है कि कैसे पोर्टफोलियो को हेज किया जाता है, उसमें एक्सप्लेन किया जाता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में आता है, सिस्टमैटिक रिस्क ये सारा चीज उसमें आता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, इस चैनल को प्लीज लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को, क्योंकि पार्ट टू तो देखना ही है और उसके साथ ही और भी कई वीडियोज मैं लाता रहूंगा। हमारे पोर्टफोलियो सर्विसेज को आप फॉलो कर सकते हैं, जाके फॉलो माई पोर्टफोलियो को जानो और सीखो में, जहां मैं अपने पोर्टफोलियो को एक्सपोज करता हूं। डीमैट अकाउंट खोलना है अगर आपको, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो लिंक दिया डिस्क्रिप्शन पे, स्टार्ट कर सकते हैं आप। ट्रेनिंग करना है तो आप जानो और सीखो की वेबसाइट पर जाके फंडामेंटल और टेक्निकल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों की ट्रेनिंग देख सकते हैं। और उसके साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।